हियर इज द क्वेश्चन, H2S, अ टॉक्सिक गैस विथ रोटन एग स्मेल, इज यूज फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस. इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वॉटर एट STP इज 0.195 मोलल, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट. तो स्टूडेंट यहां पर आपको हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट कैलकुलेट करना है फॉर द H2S गैस के लिए. तो स्टूडेंट्स हेनरीज लॉ इट इज डिफाइंड एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन. ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन. एंड प्रोपोर्शनलिटी के साइन को आप हटाने के लिए आप क्या यूज करते हो, हेनरीज कॉन्स्टेंट का यूज करते हो. तो अगर आपको हेनरीज कॉन्स्टेंट पूछा है आपसे तो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. ओके स्टूडेंट्स, तो हमें ये सॉल्व करना है हेनरीज कॉन्स्टेंट. तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर. तो यहां पर आपको कंडीशन दी है, देखिए यहां पर लिखा था इसने एट एसटीपी बोला है इसने, या यस यहां पर क्या बोला इसने एट एसटीपी. एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो स्टैंडर्ड जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1 bar होता है. कितना होता है, 1 bar होता है. ये आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, 1 bar, और टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ये 0 degree Celsius. ठीक है, ये एसटीपी कंडीशन होती है. यहां पर कहीं कहीं 1 bar भी यूज करते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स कुछ टीचर्स 1.987 bar भी यूज करते हैं. तो आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पार्शियल प्रेशर आ गया है. अब हमें क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट चाहिए. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स. तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. ओके, तो फर्स्ट मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना दिया है, 0.195 मोलल. इसका मतलब ये होता है 0.195 मोलल का कि 0.195 मोल्स ऑफ H2S गैस डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम वाटर. ओके ना, क्या होता है 0.195 मोलल का मतलब क्या हो गया कि 0.195 मोल्स ऑफ H2S गैस डिसॉल्व इन 1000 ग्राम वाटर. ठीक है, यहां पर क्या बोला है, ये m स्मॉल m मतलब मोलिलिटी. ओके, तो मोलिलिटी मतलब कि वेट ऑफ द सॉल्वेंट होगा. ओके, तो चलो हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ चुके हैं, कितने हैं, 0.195 अपॉन 0.195 प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट चाहिए. तो सॉल्वेंट कौन है यहां पर, वाटर है. तो अगर वाटर के आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो वाटर का क्या चाहिए आपको, मास जो कितना है 1000 ग्राम अपॉन मोलर मास जो कितना होगा 18 ग्राम पर मोल. जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास मोल्स ऑफ वाटर कितना आएगा, 55.5 मोल्स. कितना आएगा, 55.5 मोल्स. तो हियर इज द वैल्यू 55.5 मोल्स. तो यहां से आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी 0.0035. कितना आएगा, 0.0035. तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ चुका है, हमारे पास प्रेशर भी आ चुका है. तो वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, तो वैल्यू पुट करिए, प्रेशर क्या है 0.987. कितना यूज करोगे, 0.987 बार अपॉन मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0.0035. जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू आएगी 282 bar. कितनी आएगी, 282 bar. हियर इज योर आंसर.